हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज है 24 जनवरी और आज है मेरी मामा की बर्थडे। तो हम आज बनाने वाले हैं उनके लिए फ्रूट रैपर। तो मैं और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, सरप्राइज़ लेकर आई हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको गिफ्ट सिखाती हूँ, उसके बाद चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब मिलते हैं हम आपको गिफ्ट के साथ। बाय बाय। अच्छा, तो फ्रूट ट्रैफल बनाने के लिए जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है वो मैं सबसे पहले पांडा मार्ट से मंगवा लूँगी। अच्छा, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक फ्रूट। तो मैं ये वाला एक फ्रूट कॉकटेल ऑर्डर कर रही हूँ, इसकी प्राइस है 375। ओके, तो यहाँ पर अफान चिली पाउडर है, बनाना फ्लेवर है इनके पास, तो एक ये कर देते हैं ऑर्डर। और लास्ट चीज़ जो हमें चाहिए वो है प्लेन केक। ओके, ये वाला मैंने पहले खाया हुआ है तो ये वाला मंगवा देते हैं, इसकी प्राइस है 120। ओके, तो यहाँ पर तीनों का बिल टोटल हुआ है 597, राउंड ऑफ 600। तो अब इसको जल्दी से ऑर्डर कर देते हैं। ओके, तो ऑर्डर प्लेस हो चुका है और 40 से 50 मिनट्स में हमारा ऑर्डर आ जाएगा। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ गिफ्ट्स और इसके बाद हमारा जो ऑर्डर आ जाएगा फिर हम बनाना शुरू करेंगे। ओके, तो ये है बास्केट, गिफ्ट बास्केट, जिसके अंदर मैं अपना सामान रखूँगी। और इसके साथ हैं ये दो रिबन्स, एक सिल्वर में है और एक गोल्डन में है। इन दोनों में से मुझे जो अच्छी लगेगी वो मैं इसके नेट पर लगा दूँगी। ओके, और गिफ्ट्स में है मेरे पास, इसके अंदर हैं दो लिपस्टिक्स, दो शेड्स की लिपस्टिक्स हैं इसके अंदर, एक पिंक है और एक ऑरेंज है। और ये है वॉच, ब्लैक कलर की वॉच है ये। और सूट जो है वो यहाँ पर मैं पहले ले आई थी, तो मैंने पहले इसको पैक करवा लिया था, तो अब ये पैक है। तो सूट जो है वो ड्रेस ब्लैक कलर का है, तो मैं उसके साथ की मैचिंग की यहाँ पर है ब्लैक चूड़ियाँ। इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक और सिल्वर है, तो सिल्वर इयररिंग्स। और यहाँ पर बहुत बहुत प्यारी सी ड्रिंक है, ये भी सिल्वर कलर में है, बटरफ्लाई डिज़ाइन में है। और इसके अलावा ये है वाइट कलर का बैग, बस मम्मा भी पसंद आ जाए। और यहाँ पर है चॉकलेट्स कुछ और मेरे मोस्ट फेवरेट गजरे। गजरे तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो अब हम इस बास्केट में बनाना शुरू करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले मैं रखती हूँ बैग, के बाद यहाँ पर रखी हूँ मैं वॉच, चूड़ियाँ, यहाँ पर रिंग, और इयररिंग्स, और पीछे लिपस्टिक्स और कैचर्स वगैरह पीछे रख लूँ। गजरे भी इसके ऊपर है। और जो चॉकलेट्स बची हैं वो एक यहाँ रख दूँगी और बाकी जो है वो ऐसे हम डाल देंगे।
ओके, तो अब सारी चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। अब इसका नेट लेकर बस को ओके, तो मैं यहाँ पर सिल्वर कलर की रिबन ले रही हूँ। फ्लावर बन चुका है, अब इसको इस पे लगाएंगे। और ये गिफ्ट पैक हो चुका है। ओके, तो हम किचन में आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने रेडी करके रख लिए हैं। सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं जो जो मुझे चाहिए। एक दफ़ा मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले ये बॉल है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक बॉल ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले केक। ये प्लेन केक है जो कि मैंने पांडा मार्ट से मंगवाया था। और उसके अलावा ये फार्म फ्रेश प्रीमियम फ्रूट कॉकटेल, ये भी मैंने पांडा मार्ट से मंगवाया है। और ये पूरा एक केन ले रही हूँ। इसका सिरप जो है वो मैं अभी अलग करूँगी और इसमें जो फ्रूट्स हैं वो मैं अलग करूँगी। उसके अलावा यहाँ पर मैंने ली है एक क्रीम। और इसके अलावा यहाँ पर है मैंने कस्टर्ड के दो पैकेट्स लिए हैं, इनमें से एक ही यूज़ होगा। और इसके अलावा हमारे पास है जेली जो कि मैंने बना दी है बना के रख दी है इसको ये फ्रिज। अब मैं यहाँ पर ये कॉकटेल जो है वो एक बॉल में निकाल रही हूँ। ये मुझसे खुल नहीं रहा, इसका मेरे पास ओपनर नहीं है, तो जैसे मुझसे खुला मैंने खोल लिया। ओके, तो इतना काफ़ी है। एक बॉल जो है वो मैंने भर के निकाल लिया है। अब मैं इसका सिरप अलग, तो दूध जो है वो यहाँ पर हमारा बॉयल हो चुका है। अब थोड़े से अलग दूध लेकर हम उसमें हमारा जो कस्टर्ड पाउडर है वो मिलाकर घोल कर इसमें डाल देंगे।
ओके तो मुझसे कस्टर्ड यहाँ पर हो नहीं रहा था, तो यहाँ पर मम्मा आ चुकी हैं। थैंक यू मम्मा। क्रीम जो है वो मैं एक बॉल में निकाल रही हूँ सारी, और इसमें मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी चीनी, क्योंकि क्रीम जो है बहुत ज़्यादा फीकी होती है वाली, और फीकी अच्छी नहीं लगती, फिर टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता। सारी निकाली से, एक कप हो गई। अच्छा तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी, 2 चम्मच। मम्मा 2 चम्मच ना। तो अब मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ कस्टर्ड का। कस्टर्ड जो है वो हमारा फ्रिज में जा चुका है, अभी अभी चूल्हे से निकाला है। जैसे हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा फिर हम टॉपिंग्स करेंगे और फिर हम करेंगे ब्रेड। तो यहाँ पर अब हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हमने लगाई है केक की लेयर, उसके बाद ये जो हमारे पास फ्रूट कॉकटेल था इसका सिरप लगाएंगे इस केक के ऊपर, इससे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। अब इसके ऊपर जो हमने जेली बनाई थी हम वो डाल रहे हैं। एंड देन वी गोना ऐड लेयर ऑफ कस्टर्ड। मैंने इसको पूरे बॉल में अच्छे से फैला दिया है। इसके बाद जो हमारा फ्रूट कॉकटेल है उसे हम पूरे कस्टर्ड पे अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद फिर मैंने केक की लेयर लगाई है।
इसके ऊपर फिर कस्टर्ड की लेयर, उसके ऊपर जेलीज, फिर फ्रूट कॉकटेल और एंड मैंने डाली थी क्रीम। क्रीम के ऊपर फिर आप जेलीज और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं। मैंने भी किशमिश और बादाम वगैरह डाले थे। और अब ये तैयार हो चुका है, बहुत मज़े का बना था ये। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अब मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।